अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो दस्तक होती हैं जीवन में बदलाव का। विकी उमीपेग एक ऐसी महिला जिनका जब जन्म हुआ तो जन्म के समय उनकी एक ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, जिसके कारण उनकी आंखों की जोत चली गई और दिखना बंद हो गया। तो ऐसे ही जीवन उनका चलने लगा। जब वो 20 वर्ष की हुई तो उनके जीवन में एक हादसा हुआ, और वो हादसा था एक एक्सीडेंट। तो जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपने इस एक्सीडेंट के अनुभव को सबको बताया। क्या बताया? कि जब मेरी कार दूसरी कार से टकराई तो मैंने अपने आप को अपने शरीर के बाहर देखा। मैंने देखा कि मेरा जो स्थूल शरीर है वो नीचे पड़ा है और मैं ऊपर एक फैदर की तरह, एक पंख की तरह ऊपर तैर रही हूँ, हवा में तैर रही हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, चीज़ें जैसे कि किस कार के साथ एक्सीडेंट हुआ, कौन से रंग की थी। और फिर धीरे धीरे वो ऊपर की ओर चलती गई और ऊपर की ओर जाकर एक परम शांति का अनुभव, जैसे एक सन्नाटा, और वो सन्नाटा जिससे आपको आनंद का अनुभव हो, उस प्रकार का उनको अनुभव हुआ। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनको हॉस्पिटल में, उनके शरीर को हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स उनके शरीर पर काम कर रहे थे तो डॉक्टर्स जो शब्द बोल रहे थे कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे, हम इनको ठीक नहीं कर पाएंगे, वो सारे शब्द उन्होंने ऊपर से सुने। उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग, जो एंगेजमेंट रिंग उन्होंने पहनी हुई थी, वो भी देखी, और जो कुछ भी गतिविधि वहां चल रही थी वो सारी साक्षात वो देख रही थी। फिर जब ऊपर के आयामों में गई, वो ऊपर के स्तरों पर गई, उस डायमेंशंस में उनको वो बच्चे मिले जो छोटे होते उनके साथ पढ़ते थे, पर क्योंकि वो देख नहीं पाते थे उनकी मृत्यु हो गई, कुछ सफरिंग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो उन सब बच्चों से उनका मिलना हुआ। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जीसस ने हक किया, और जीसस क्राइस्ट जैसे एक प्रेम की मूरत उन्होंने इतने प्यार से उनको स्वीकारा और कहा कि तुम जीवन जी सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, और तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने जाओ। तो इतना अनुभव कहकर वो वापस से शरीर में आई, और जब शरीर में आई उन्होंने ये सारा वृत्तांत, उनके साथ जो हुआ वो सब कुछ लोगों को बताना शुरू किया। जो शब्द कहे गए थे वो सब बताने शुरू किए, और सब सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि जो वो बता रही थी वो 100% बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, अगर विकी उमीपेग जन्म से अंधी थी तो कैसे अपनी वेडिंग रिंग देख पाई? अगर वो मर चुकी थी तो कैसे ये चीज जो उनके साथ हुई, उन्होंने प्रकाश को देखा, शांति को अनुभव किया, जीसस क्राइस्ट से मिलना हुआ, उन बच्चों से मिलना हुआ, ये कैसे हुआ? इस केस ने बहुत सारे लोगों को एक, जिसे कहते हैं कि उनकी आंखें खोल दी, क्योंकि लोगों को समझ आया कि शरीर मरता है, हमारा अस्तित्व नहीं मरता है। इस प्रकार के अनुभव को हम कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी कि मृत्यु के निकट का अनुभव, कि आप मृत्यु को चख कर फिर से वापस आ जाते हैं। हमारे बड़े बूढ़े अगर आप देखेंगे, हमें सब कहानियां बताते थे, इस व्यक्ति को जब उसके शरीर को अर्थी पर डाला गया
जलाने लगे तो वो उठकर बैठ गया। ऐसी कहानियां आप सब ने भी सुनी होंगी। ये अनुभव क्या है दोस्तों? ये कोई आडंबर या एक ऐसी भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है, ये एक सिद्ध की हुई चीज है जिससे जिस पर बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है कि कई लोग मरने के बाद फिर से उसी शरीर में जिंदा हो जाते हैं। इस प्रकार के अनुभव को हम कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो कैसे होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, किनको अनुभव होता है? एक रिसर्च के अनुसार कहा जाता है कि हर 10 में से एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन में नियर डेथ का अनुभव हुआ होता है। वो चख कर फिर से अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। और किन कारणों से नियर डेथ होता है? जैसे किसी का एकदम से कोई हादसा हो जाना, जैसे सड़क दुर्घटना हो जाना, प्राणों को क्षति पहुंचना हार्ट अटैक के कारण, या कोई ऐसा ऑल ऑफ सडन जिसे हम कहें कि एकदम से कोई शॉक के माध्यम से कोई चीज हो, तो क्या होता है, आत्मा शरीर छोड़ देती है और छोड़ने के बाद फिर से शरीर में आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अभी तो मैंने आपको एक विक्की उमीपेक का केस बताया, एक लेडी जिनका नाम है अनीता मूरजानी, सिंगापुर में रहती हैं वो, उनको हॉजकिंस लिम्फोमा कैंसर लास्ट स्टेज का हो गया था। और जब वो हॉस्पिटल में थी तो जब उन्होंने प्राण छोड़ने के बाद वो फिर से अपने शरीर में आ गई। और शरीर में आने के बाद जब डॉक्टर्स ने उनके चेक किए तो कैंसर कहीं ना कहीं रिवर्स होने लग गया था। तो दोस्तों, उस नियर डेथ अनुभव के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। जो वो कर रही थी वो बिल्कुल बदल गया। और जो मरने पर उनको अनुभव हुआ, जिस प्रकार का उनको प्रेम के बारे में जो समझाया गया कि प्रेम क्या है, जीवन क्या है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अपने रिश्तों को कैसे सुधारना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो लेकर, वो ज्ञान लेकर अपने साथ वो वापस आई। और उन्होंने अपना एक उद्देश्य बनाया कि जो अनुभव मैंने लिया है, इस अनुभव में जो मुझे ज्ञान मिला है, मुझे अब उन लोगों को, सब लोगों को, सृष्टि के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। उनकी एक किताब है, मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। यह किताब बहुत प्रसिद्ध है। इस बुक का नाम है डाइंग टू बी मी बाय अनीता मूरजानी। एक और डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर इविन अलेक्जेंडर, उन्हें भी मृतक होने का अनुभव हुआ, फिर से जिंदा हो गए। और जो उनके साथ हुआ वो सारा वृत्तांत उन्होंने एक किताब में लिखा है जिसे वो कहते हैं प्रूफ ऑफ हेवन। तो दोस्तों, ये तो कुछ प्रसिद्ध मामले जो मैंने आपको बताए हैं, पर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कभी भी लिखे नहीं गए, क्योंकि हमें ऐसे अनुभव के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम कभी सोचते ही नहीं है कि जो सूक्ष्म शरीर में जाकर हमें जो अनुभव हुआ वो कितना सत्य हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वही सत्य है, जो शरीर से पार है, सूक्ष्म है, वो सत्य नहीं है। तो नियर डेथ के कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों। अगर आप उन लक्षणों को समझें, तो अगर आपको कहीं नियर डेथ हुआ है तो इन लक्षणों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि क्या मेरा अनुभव मृत्यु के निकट जाने का अनुभव था। और केवल इन लक्षणों को समझना नहीं है, आपको ये भी देखना है कि उस घटना के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपके जीवन जीने के तरीके में क्या बदलाव आया। क्या अब आप ज़्यादा संतुष्ट, क्या आप अब जीवन के परम सत्य की ओर हैं, अपने आध्यात्मिक उत्थान की तरफ हैं? ये सब चीज़ों को आपको देखना है कि मैं उस घटना से पहले कैसा था और उस घटना के बाद कैसा हूँ। तो क्या है ये लक्षण जिनसे हमें पता चलता है कि क्या हमें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहला लक्षण है कि
आपको शरीर के बाहर जाने का अनुभव होना, यानी कि शरीर तो मरा हुआ है, स्थूल शरीर तो मरा हुआ है, पर आप अपने आप को शरीर के बाहर जिंदा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ये जो लोग रो रहे हैं ये तो उस शरीर के लिए रो रहे हैं, पर मैं तो यहां हूं, मैं तो जिंदा हूं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसे हम कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हम सबको होता है, ये बहुत एक साधारण सी बात है। जैसे हम अपने जीवन का एक तिहाई हिस्सा सोने में व्यतीत करते हैं, तो जो सोने का समय होता है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं हम सब आउट ऑफ बॉडी को अनुभव करते ही हैं। जैसे आप अपने शरीर से बाहर जाएंगे, आप उस सूक्ष्म जगत में जहां आपका एनर्जी लगा हुआ है, आप उस जगह पर जाकर उसको एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके, आप वापस से अपने शरीर में आते हैं। तो आउट ऑफ बॉडी एक बहुत कॉमन है जो हम सबके साथ कहीं ना कहीं होता है। वो अलग बात है कि हमें उसका पता नहीं है, हमें उसकी जानकारी नहीं है, हम उसके प्रति सचेत नहीं है। तो पहला अनुभव जिसे हम कह सकते हैं नियर डेथ का, वो है आउट ऑफ बॉडी। दूसरा अनुभव जिसे हम कहेंगे कि अपने मृतक होने की खबर को सुनना। जैसे लोग, अब आप आउट ऑफ बॉडी अनुभव कर रहे हैं, उस अवस्था में जब आपको आवाजें आती हैं और वो कहते हैं ये तो मर चुका है, डॉक्टर्स कहते हैं इसको हम बचा नहीं पाएंगे, जैसे विक्की उमीपेग को ये आवाजें आई कि हम आपको बचा नहीं पाएंगे, तो ये मृतक होने की जो आपको खबर है वो आपको मिलती है, और उस समय में आपको एक अनुभव होता है कि मैं तो जिंदा हूं, ये किसको कह रहे हैं कि जो मर गया है। तो दोस्तों यही चीज हमें बताने का एक प्रयास है कि वो शरीर हम नहीं है, शरीर के अंदर जो सूक्ष्म रहता है, जो आत्मा रहती है, वो कभी भी नहीं मरती है, वो सदैव के लिए विद्यमान है। तो जब हम शरीर से बाहर आते हैं, केवल शरीर मरा, हम तो वही हैं, हमारा अस्तित्व तो वही है। और तीसरा अनुभव जैसे परम शांति को अनुभव करना। अब जब हम अपने शरीर में हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अशांत करती हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कितना कुछ चल रहा है, विचारों का, जिसे कह लीजिए कि एक मूसलाधार बारिश हो रही है हमारे भीतर। पर जब आपको नियर डेथ अनुभव होता है, तो ऐसा प्रतीत होना कि सब कुछ क्षीण हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और आप हर चीज से, हर बंधन से मुक्त हो चुके हैं और परम शांति को अनुभव करते हैं, एक सन्नाटे को महसूस करते हैं, और उस सन्नाटे में हमें एक आनंद का भाव आता है। तो इस प्रकार का अनुभव होना। चौथा अनुभव जिसे हम कहते हैं शोर सुनाई देना। अब शोर का मतलब क्या है? शोर इस प्रकार का नहीं जो भीड़ का शोर होता है, शोर भी जैसे हम एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाते हैं और एकदम से वो चैनल बंद हो जाए तो आपके टीवी पर जैसी आवाज आती है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब आपका जो सिग्नल है उसको करेक्शन चल रहा है। तो उसी प्रकार से आपका शरीर जब आप छोड़ते हैं तो आप भी अपने सिग्नल को करेक्ट करते हैं, और वो करेक्शन के समय में जो होता है वो एक शोर की तरह प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के शोर को अनुभव करना। और पांचवा लक्षण क्या है? कि अपने आप को एक सुरंग में जाते हुए महसूस करना। इसे हम अपने अनुभव में कहते हैं टनलिंग एक्सपीरियंस, कि आपको लगता है कि आप एक टनल में खिंचते चले जा रहे हैं, और ये अनुभव बहुत सारे व्यक्तियों को होता है, और इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुरंग के दूसरी तरफ क्या है? प्रकाश है। तो अपने आप को एक वैक्यूम की तरह खींचते हुए महसूस करना कि कुछ मुझे खींच रहा है, दूसरी तरफ से कुछ मुझे खींच रहा है और अपनी तरफ लेकर जा रहा है।
ध्यान में भी लोग इस एक्सपीरियंस को अनुभव करते हैं। इसका अनुभव करने का मतलब क्या है? इसका अनुभव करने का मतलब है कि शरीर तो वही ध्यान कर रहा है, पर आपकी आत्मा अपने सही स्वरूप की ओर जा रही है, आत्मा का दर्शन कर रही है। और जब आत्मा का दर्शन करती है तो आत्मा ही आपके सूक्ष्म शरीर को खींचकर वो अनुभव देती है। और भी अगर मुझे आपको एक एग्जाम्पल से बताना हो कि जैसे एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, जैसे कोई सुरंग है, तो सूक्ष्म जगत को और स्थूल जगत को कौन जोड़ता है? जैसे ये एक टनल है, तो इस टनल के माध्यम से हम अपने सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं कोमा। अब कोमा में क्या होता है कि आपका बॉडी वाइटल्स हैं, कहीं ना कहीं आपके चल रहे हैं, पर आप अचेत हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ना सूक्ष्म जगत में हैं, ना स्थूल जगत में हैं, आप उस टनल में हैं। और आपके शरीर ने, आपके चेतना ने उस डिसीजन को अभी लिया नहीं है कि मुझे जीना है या मुझे आगे पार कर जाना है। तो इस प्रकार से हम उस टनल को अनुभव करते हैं। और नियर डेथ एक्सपीरियंस में इस टनल को पार करते हुए हम दूसरी ओर जाते हैं, उस सूक्ष्म जगत को और स्वाद चखकर फिर से वापस आते हैं। इसके अलावा जो लक्षण हम कह सकते हैं वो है कि अपने जीवन की समीक्षा करना। अब जैसे जो जीवन आपने जिया उस समय में आपको एक पिक्चर की भांति वो जीवन दिखता है। आपने क्या किया, कैसा जीवन था, कैसे आपके एक्शन थे, कैसे आपके विचार थे, कैसे आपके शब्द थे, एक प्रकार से पिक्चर की भांति जिसके नायक, खलनायक, निर्देशक आप हैं, वो पिक्चर आपके सामने चलती है। और उस समीक्षा से आपको कहीं ना कहीं समझ आता है कि मैं कहाँ इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, कहाँ बेहतर हो सकता हूँ, और मेरे जीवन जीने की दिशा जो चल रही थी उसको एक प्रगति की ओर कैसे लेकर जा सकता हूँ, अपने आप को जानने की ओर कैसे लेकर जा सकता हूँ। और क्योंकि अब आप एक सूक्ष्म जगत में हैं तो स्थूल के साथ जो ईगो होती है वो स्थूल के साथ ही रह जाती है, ये ईगोलेस स्टेट में होती है। जब हम ईगोलेस स्टेट में होते हैं तो क्या होता है, हम अपने असली स्वरूप के नज़दीक होते हैं। और उस समय हमें पता है कि हम सृष्टि में अगर आए थे तो क्या करने आए थे, हमें क्या करना था, हमारा उद्देश्य क्या था। तो उस सारी जानकारी को भी हम उस समय में अपने भीतर जागृत कर चुके होते हैं। तो उस थीम से जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो क्या होता है, हमें समझ आने लगता है कि क्या चीज़ मेरे डिसीजंस जो थे वो किस रास्ते में चल रहे थे, इनको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। और फिर हम एक डिसीजन भी लेते हैं कि मुझे इसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, और इस जानकारी को लेकर हम वापस आते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब आप नियर डेथ से पहले क्या थे और नियर डेथ के बाद क्या थे, क्योंकि नियर डेथ के बाद कहीं ना कहीं आपके भीतर एक समीक्षा हो गई होती है, एक रिव्यू अपने जीवन का हुआ होता है, और आपको समझ आता है कि मेरे साथ क्या गया था, क्या मेरे साथ मेरी जायदाद, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, क्या गया मेरे साथ, कुछ भी नहीं। और जो जाएगा उस पर काम आपका बढ़ जाता है आपके नियर-डेथ अनुभव के बाद। और अगला लक्षण क्या है, जैसे एक सरहद के पास जाना, जिस प्रकार से जैसे एक गेट है, एक गेट को पार ना कर पाना, एक गेट के इसी तरफ रहना, उस दरवाजे के इसी तरफ रहना। और कोई आपको उस समय में कहता है कि तुम इससे पार नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर आप पार कर जाएंगे तो आप अपने शरीर में फिर से वापस उस शरीर में नहीं आ सकते जो आपने इस जन्म में धारण किया हुआ था। अब आप पूरी तरह से आत्माओं के जगत में जा चुके हैं।
पर उस सरहद को आप कहीं ना कहीं महसूस करके, एक रेखा को जिसे कह लीजिए लक्ष्मण रेखा को सामने देखकर, आप वहां से पीछे की ओर वापस आते हैं अपने शरीर में। अगला लक्षण कि आपको अपने उन रिश्तेदारों से मिलना, उन प्रियजनों से मिलना जिनकी मृत्यु आपसे पहले हो चुकी है, जैसे आपके दादी नानी माता पिता, जैसे विकी उमीपेक को उन बच्चों से मिलना हुआ जो बचपन में उसके साथ पढ़ते थे पर अंधे होने के कारण, एक क्रॉनिक इलनेस होने के कारण उनका देहांत हो गया, तो उन बच्चों से मिलना हुआ। तो इस प्रकार से अपने प्रियजनों से मुलाकात होना और उनसे जीवन के बारे में कुछ समझना, उनसे एक संदेश लेना कि हाँ, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे जीना चाहिए, और अगर वो कुछ कहना चाहते हैं अपने बारे में, आपके बारे में, कि मुझे तुम पर नाज है, उस प्रकार के संदेशों को लेना, उनसे एक बहुत प्रेममय मुलाकात होना। अगला लक्षण दिव्य आत्माओं से मिलन, जो प्रकाशपूर्ण है, लाइट बीइंग्स है, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, भगवान श्री राम, हनुमान जी, और भी कई दिव्य आत्माओं से मिलन होना, जैसे स्वामी विवेकानंद, लाओ त्सू, रामकृष्ण परमहंस, मोसेस, ऐसे बहुत सारे जो प्रकाशपूर्ण आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, जिनसे हमें अपने जीवन के लिए एक संदेश, जिनसे हमें कुछ सीखने के लिए मिल सकता है कि हम अपने जीवन को एक प्रगति की दिशा में कैसे लेकर जा सकते हैं, जो खुद को जान चुके हैं, हम उनसे सीखते हैं। तो इस प्रकार के अनुभव को अपने साथ लेकर आना और उनके प्रेम को महसूस करना, उनका प्रेम हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो परम शक्ति है वो प्रेम से भरपूर है। जब हम इस जगत में रहते हैं तो हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली जज करते रहते हैं, अपना आंकलन करते रहते हैं, और वो आंकलन भी ज़्यादातर सकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक शक्ति की तरफ होता है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस प्रकार से चलता है हमारे साथ। पर जब उस समय में हमें पूरी तरह से एक प्रेम के भाव से अपनाया जाता है तो हमें कहीं ना कहीं समझ आता है कि वो जो परम शक्ति है वो सकारात्मक और नकारात्मक, अच्छे बुरे से बहुत ऊपर है। हम वहाँ पर पूरे प्यार से अपनाए जाते हैं। तो जब हम वो प्रेम अनुभव करते हैं दोस्तों, तो उस प्रेम का जो स्वाद है वो अनुभव ऐसा है कि अपने पास रोके भी रुकता नहीं है, क्योंकि अब आपको एक जज्बा मिल गया है अपने भीतर, एक जिसे कह लीजिए कि प्रेरणा मिल गई है कि मुझे दूसरों को भी इस प्रेम को बांटना है। तो इस प्रकार के लक्षण। तो दोस्तों, आज के इस सेशन से मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन का आकलन करें, देखें कि मेरे जीवन की जो ऊर्जा है किस दिशा में चल रही है, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे एक्शंस किस दिशा में जा रहे हैं, क्या मुझे प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं, या मैं अपने आप को जज कर रहा हूं, दूसरों को जज कर रहा हूं, अपने जीवन को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, किस प्रकार से मैं अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल कर रहा हूं। क्योंकि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे साथ जिस प्रकार का अवेयरनेस हम शरीर में रखते हैं उसी प्रकार का अवेयरनेस हमारे पास मृत्यु के बाद भी होगा। अगर हम शरीर में रहते हुए सोचते हैं कि दुनिया बहुत चोर उचक्कों से भरी हुई है, दुनिया में धूर्त कपटी लोग रहते हैं, तो मृत्यु के बाद भी हमारी अवेयरनेस वैसी ही है। पर अगर हम सोचते हैं कि मैं दिव्य हूँ, सब दिव्य है, सृष्टि दिव्य है, जीवन सुंदर है, तो इसी प्रकार का अनुभव हम अपने साथ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें जीवन के बाद का समय सुंदर मधुरमय अनुभव करना है,
तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? इस क्षण से। इस क्षण को अगर आप सुंदर बनाएं, उसको अपने आत्मा के स्वरूप से जिए कि मेरी आत्मा कैसे जीना चाहती है, कैसे मैं अपनी खुशबू बिखेर सकता हूं, उस पहलू से जिए, तो हम जीवन के बाद भी मुक्ति की बात नहीं करेंगे। मुक्ति इसी क्षण से शुरू हो जाती है।